सीएम हेमंत शर्मा ने विपक्ष पर सादा निशाना, कहा लोकसभा से वॉकआउट ने उनकी योजना और इरादे को किया उजागर। लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार अपनी संसदीय क्षेत्र वायानाड के दो दिवसीय दौरे पर निकले राहुल गांधी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सड़क से मलबा हटाते समय क्षतिग्रस्त कार से 5 लाशें बरामद, भूस्खलन से बंद हुई थी सड़क। नूह हिंसा के बाद हुई बुलडोजर कार्यवाही पर अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच नहीं करेगी सुनवाई। बोलने को मजबूर हुआ हूं, मुसलमानों के मन की बात सुने पीएम मोदी, जामा मस्जिद के शाही इमाम ने की दरखास्त। दारा सिंह चौहान के चक्कर में ओपी राजभर भी लटके, लगता है घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद ही मंत्री बनाएगी बीजेपी। बंगाल में इमाम संगठन के फुरफुरा शरीफ घटना की निंदा की, ममता को परिणाम भुगतने की चेतावनी। चुनावी रणनीति बनाने को एनडीए के प्रवक्ताओं का मंथन, 9 घंटे तक चली बैठक। अमित शाह ने किया 3 कानून को खत्म करने का ऐलान, लोकसभा में पेश किया सीआरपीसी संबोधन बिल। घोसी बिस उपचुनाव 2023 में भाजपा ने खोला पत्ता, दारा सिंह चौहान होंगे प्रत्याशी, 16 अगस्त को दाखिल करेंगे नामांकन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।